जोकर डायरेक्ट किया है टोड फिलिप्स ने, और जिसके अंदर परफॉर्मेंस दी है जोकर की आर्थर फ्लैक के नाम से, ये है जोक्विन फिनिक्स। परफॉर्मेंस उन्होंने बहुत शानदार की है इस मूवी के अंदर। केवल हम परफॉर्मेंस ही नहीं देख सकते मूवी के अंदर, मूवी के अंदर जो इसके अंदर फिलोसफी, जो इसके अंदर कहानी बताई गई, जो आइडियोलॉजी बताई गई है जोकर की, वो मैं बात करना चाहूँगा। देखो एक्टिंग के मामले में अगर मैं कहूँ कि एक्टिंग कैसी है सबकी, तो बहुत अच्छी है, और ये वीडियो 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगी अगर एक्टिंग की मैं बात करूँ तो। लेकिन मूवी का रिव्यू का मतलब होता है कि मूवी में कि भी क्या बताया गया है, कहानी कैसी है, तो इस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोगों ने बैटमैन की 3 सीरीज आपने देखी होगी, बैटमैन राइजी, बैटमैन बिगिन, बैटमैन डार्क नाइट, बैटमैन डार्क नाइट राइजेज, जो सेकंड मूवी थी इसके अंदर बैटमैन डार्क नाइट, इसके अंदर जोकर और बैटमैन को आमने सामने रखा गया था। उस मूवी के अंदर जोकर की एक आइडियोलॉजी दिखाई गई थी कि वो लोगों को ये बताना चाहता है कि लोगों के अंदर इंसानियत खत्म हो गई है आज की डेट में। मतलब उस मूवी में बताया जाता है कि वहाँ पे कोई भी एक दूसरे का वैल्यू नहीं रखता, सब एक दूसरे को मारने में लगे हुए हैं। ये वो फिलोसफी लेके चलता है और लोगों को ये बताना चाहता है कि उनके अंदर भी यही फिलोसफी है। मूवी अगर आप लोगों ने वो डार्क नाइट नहीं देखी है तो जाकर देखो, बहुत अच्छी मूवी है वो वाली भी। और तब से लेके अब तक कि भी ये जोकर का एक करेक्टर जो है ना, वो बहुत अलग हो गया। अब ये जो मूवी जो थी, 3, बैटमैन बिगिन, बैटमैन डार्क नाइट, बैटमैन डार्क नाइट राइजेस, ये जितनी वो डार्क थी ना, उससे कहीं ज़्यादा डार्क जोकर ये वाली मूवी है। अब कहानी की बात करें, कहानी है इस मूवी में कि जो आर्थर फ्लैक है वो एक जोकर का एक काम कर रहा होता है, गलियों में खड़ा होके कोई कुछ लिख के किसी को बता रहा होता है। तब कुछ एक लड़के आते हैं, उसका वो बोर्ड छीनते हैं, उसको मारते हैं। जो ये गौतम सिटी में हो रहा होता है कि इस वक्त क्राइम बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जो है वहाँ की, जो सरकार है वो इनके ऊपर, जैसे कि कुछ एक लोग हैं, कुछ एक वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, इतनी ज़्यादा सरकमस्टांसिस हो रही हैं वहाँ पे, तो लोग एक तरीके से अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं। और एक तरफ से जब वैन एंटरप्राइजेस की बात करें, थॉमस वैन जो ब्रूस वैन के जो पिता हैं यहाँ पे, यानी ब्रूस वैन वो है जिन्होंने बैटमैन का किरदार निभाएंगे जो आने वाली जो मूवी, जैसे बैटमैन है वो, उनका नाम ब्रूस वैन है, जो इनके पिता हैं वो थॉमस वैन है। जो वैन एंटरप्राइजेस है वो कैसे वो अमीर होती जा रही है और गरीबों को गरीब करती चली जा रही है, उनको दबा के रख रहे हैं। तो ये जो कहानी है इसके अंदर दिखाई गई, एक यहाँ पे जोकर को, आर्थर फ्लैक है, आर्थर फ्लैक को एक बीमारी होती है, वो कहीं पर भी हंसना स्टार्ट कर देता है, एक अचानक से वो कहीं हंसना स्टार्ट कर देता है। तो अपना वो एक इलाज करा रहा होता है एक सोशल केयर के अंदर, मतलब जो फंडिंग से चल रही है, और वहीं से उसको दवाइयाँ भी मिलती हैं। इसी बीच जब वो आर्थर फ्लैक अपने फ्लैट में पहुँचता है, तो इसकी एक माँ है जिसका वो ध्यान रखता है, जो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। बस ये दो ही होते हैं एक दूसरे की लाइफ में, और वो चाहता है कि सोसाइटी में उसको लोग जाने, वो अपनी एक पहचान बनाने की गौतम सिटी में उसकी भी वो कोशिश कर रहा होता है। इसी बीच जो आर्थर फ्लैग की जो फ्लोर पे है, उसी फ्लोर पे एक लड़की रहती है जो आर्थर फ्लैग को इनवाइट करती है हॉस्पिटल के अंदर, ताकि वो बच्चों का थोड़ा बहुत एंटरटेन कर सके। तो वो वहाँ जाता है अपना जोकर का नकाब लगा के, यानी मेकअप करके, वहाँ जाके वो बच्चों को हंसाने की कोशिश करता है। और इसी बीच उसके जो गन होती है उसी के पास होती है, जो उसकी जेब से बाहर गिर जाती है। ये बात उसके बॉस को पता चलती है जोकर के, और जोकर का बॉस उसे आर्थर फ्लैग को, यानी नौकरी से निकाल देता है। जब आर्थर फ्लैग कहता भी है कि उसे जॉब से मत निकालो, क्योंकि उसे अपनी जॉब बहुत पसंद है, अब उसके पास जॉब नहीं है, वो अकेला है, गवर्नमेंट जो है वो उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। ये जो सारी सरकमस्टेंसेस जो बनाई जा रही हैं, ताकि ये बता सके कि क्या कारण थे कि वो आर्थर फ्लैग जो था वो जोकर बना, ये जो सरकमस्टेंसेस इसके अंदर दिखाने की पूरी कोशिश की, और कहीं ना कहीं ये कामयाब भी हुए बताने की भी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्राइम बहुत ज़्यादा हो गया है, गवर्नमेंट एक सेक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ अमीर तबके को ही ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। तो ये सब होने के बाद वो अपने आप को ऐसे नीचा महसूस करता है।
इसी बीच जब उसे जॉब से निकाल दिया जाते तो वो एक ट्रेन से अपने घर जा रहा होता है, तो उसी बीच वेन एंटरप्राइजेस के तीन जो अमीर लोग हैं वो किसी लड़की को छेड़ रहे होते हैं ट्रेन के अंदर। तो जोकर उनको देख के अपना मुंह साइड कर लेता है, वो उसे कोई परवाह नहीं होती कि भी हाँ उसे छेड़ो या उसे कुछ भी करो, उसे कोई परवाह नहीं होती। फिर अचानक से उसकी हंसी फिर से स्टार्ट हो जाती है, ये देख वो तीन लोग उसके पास आते हैं और उसको मारना स्टार्ट कर देते हैं। जोकर के पास गन होती ही है तो वो अपने बचाव में दो लोगों को गोली मार देता है और तीसरे को वो जानबूझ के गोली मारता है। वहाँ पे उसे बचाव की जरूरत नहीं थी जबकि तीसरा आदमी तो भाग चुका था, फिर भी वो तीसरे के पास जाता है और उसे गोली मारता है, जिससे उसे फील होता है कि उसे मज़ा आने लगता है उसके अंदर। ये बात वो खुद बोलता है। जब ये वैन एंटरप्राइजेज के तीन लोगों की जब हत्या होती है तो लोगों के अंदर एक उम्मीद जगती है कि अमीर लोगों को किसी ने मारना स्टार्ट किया, कि गरीब लोगों की अब आवाज़ उठेगी, जो दबे हुए लोग हैं उनकी अब आवाज़ उठेगी। तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने जोकर का नकाब लगा के या जोकर का मेकअप करके इन तीन लोगों को मारा है, तो सब लोग जोकर का ही नकाब लगा के प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, वो जोकर के समर्थन में होते हैं। तो जिसे देख के आर्थर फ्लैक बड़ा ही खुश होते हैं कि जो वो कर रहा था उसे बाय इंटेंशन जो उससे हुआ वो कहीं ना कहीं किसी लोगों की उम्मीद बन गया, उन्होंने उसने उनको प्रेरणा दे दी कि भी अब उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। कर एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि भाई मैं कोई वॉयलेंस को या फिर जो इस प्रकार की जो फिलोसफी है मैं इसको सपोर्ट नहीं करता कि भाई अगर हमारे पास जॉब नहीं है, अगर ऐसी सरकमस्टेंसेस बना दी गई है तो हम क्राइम की ओर बढ़ जाएँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसा बढ़ना करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं। हमें अपने हालातों से भी लड़ना चाहिए, हमारे हालात कई कई बार क्या होते हैं बहुत हमारे विपरीत हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम दूसरा रास्ता पकड़ लें, क्राइम का रास्ता पकड़ लें। हाँ काफ़ी सारे विचार आते हैं कि भी हमारे ख्याल में कि हमारे पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारियाँ बहुत हो गई हैं, तो इंसान इस चक्कर में कभी कभी गलत कदम उठा लेता है, लेकिन गलत कदम उठाने का नतीजा भी गलत ही होता है। ये नहीं होता कि आप वो एक बार गलत करके आप हमेशा सुख ले पाएंगे उससे, ऐसा कुछ नहीं होता गलत का। हाँ एक बार अगर आपके सामने वो डिफ़िकल्ट परिस्थितियाँ हैं तो शायद आज आप उसका डट के सामना करोगे तो आने वाले टाइम में वो दूर हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो फिलोसफी इसके अंदर दिखाई गई है तो मैं उस चीज़ को तो सपोर्ट करता हूँ नहीं। बाकी मैं तो सिर्फ एक कहानी बता रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ जो इसके अंदर बताया जा रहा था। जब ये जोकर सारे जब ये लोग जोकर का नकाब बन के प्रोटेस्ट करते हैं, जोकर उनको उम्मीद दिला देता है, फिर जोकर जो है अपने घर जाता है तो उसको पता चलता है कि जो उसकी माँ है वो उसकी असलियत में उसकी माँ नहीं है, वो एक मेंटली डिस्टर्ब एक लेडी थी जिसने उसे गोद लिया था। और जो गोद लेने के बाद जो ये लेडी थी और जो आर्थर फ्लैग था जो इस लेडी का बॉयफ्रेंड था, इन दोनों को ही अब्यूज़ करता था। ये जान के आर्थर जो है वो कहीं ना कहीं मतलब इतना डिप्रेस हो जाता है, इतना उसे दुख होता है कि अब जो एक जिसके सहारे वो जी रहा था अब तो उसकी वो माँ भी नहीं है, कि भाई जिसने उसे पता चलता है कि वो सिर्फ एक जिस उसने उसे गोद लिया था और गोद भी इसलिए लिया था कि जो बॉयफ्रेंड है उस लेडी का उसे और आर्थर को दोनों को वो अब्यूज़ कर सके। ये बकायदा वो लेडी उसको परमिशन देती थी ये करने के लिए। ये सब पढ़ के उसे ये चीज़ें मिलती हैं कि भाई उसकी मेंटली कंडीशन कैसी थी उसकी माँ की जो इस मूवी में दिखाया गया। तो ये सब पढ़ के आर्थर कहीं ना कहीं और टूट जाता है और उसे अब लगता है कि अब तो कुछ भी नहीं है लाइफ में, ना उसके पास अब जॉब है, वो अकेला है, जिसको अपनी माँ समझता था उसकी वो माँ नहीं है और उसके साथ ऐसा ऐसा हो चुका है और उसके माँ बाप ने उसे बचपन में छोड़ दिया था कहीं पर भी। तो ये सब देख के इतना टूटता है तो वो जाता है सीधा अपनी माँ के पास और अक्सर अपनी माँ को वो जाके वो मार देता है। इसके साथ फिर एक और वाक्य होता है कि जो आर्थर फ्लैक है के स्टैंड अप कॉमेडी भी करता है, इसकी एक वीडियो वायरल हो गई होती है और इस वीडियो का एक मरी नाम से एक करेक्टर है वो इसका मजाक उड़ाता है, लोगों को गोथम सिटी को बताता है कि ये कितना बकवास जोक करता है। तो इतना जो मजाक उड़ाता है इससे फिर और टूटता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जो उसकी वीडियो जो वायरल होती है तो इससे फेमस भी होता है, तो इसको बुलाया जाता है मरी के इस शो में, तो वहाँ पे वो नकाब लगा के जाता है वो जोकर का और वहाँ पे वो मरी का मर्डर भी कर देता है। और साथ ही साथ वहाँ ये बताता है कि उसने वो तीन जो वैन एंटरप्राइजेस के जो लोग हैं वो तीन उसने ही वो मारे थे। अब लोगों के अंदर एक और उम्मीद जगती है, लोगों को प्रोटेस्ट एक अपना एक लीडर उसके अंदर दिखाई देता है जोकर के अंदर। और जब जोकर गाड़ी में जा रहा होता है तो इसको
कुछ लोग बचा लेते हैं, मतलब पुलिस इसको पकड़ के लेके जा रही होती है, तो कुछ लोग जो इसके समर्थक होते हैं, जो इसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित होते हैं, वो जोकर को बचा लेते हैं पुलिस से, और जोकर वहाँ पे उन लोगों का वो लीडर के तौर पे वो उभर के आता है। ये इस मूवी की कहानी है, जो इसमें फिलोसफी दिखाई गई है। देखो मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमारे सामने सर्कमस्टांसिस अगर ऐसी आ जाती हैं, ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि हमें गलत कदम उठाना पड़ रहा है, तो हम अपने आप में कमज़ोर पड़ रहे हैं, यानी हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम उस परिस्थिति का सामना कर सकें। देखिए हर किसी की तो नहीं होती कि भी कई कई जो हैं अपना गलत कदम उठा लेते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनके जो गलत कदम से हैं सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उनकी लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्या वो ये सब करके क्या आने वाले टाइम में वो खुश रह पाएंगे। जाहिर सी बात है उनके पास जो इसका जवाब होगा वो नहीं रह सकते। मैं तो इस वॉयलेंस को सपोर्ट नहीं करता, ना मैं इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। हाँ मूवी मुझे बहुत पसंद आई है, जो इसके अंदर जो दिखाया गया है। गवर्नमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, एक तबके की तरफ ध्यान नहीं देती है, जिसके अंदर उनके अंदर द्वेष की भावना उत्पन्न होती है गवर्नमेंट के प्रति, जो अमीर लोग हैं उनके प्रति, और काफ़ी सारे लोग ये क्राइम कर जाते हैं ना चाहते हुए भी। तो ये दिखाने की कोशिश की गई है कि क्या ऐसे हालात भी बन सकते हैं अगर गवर्नमेंट अगर ऐसा करेगी तो। ये इस मूवी का दिखाने का मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि ये एक रीज़न भी है। तो बस इतना ही था, आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।